हेलो दोस्तों, एक और बार स्वागत है प्री मिक्स में। पांच सवाल सॉल्व करेंगे आज हम फिर से। किसके? आज इकोनॉमी का डे है, इकोनॉमी के सॉल्व करेंगे। एंड आठवां हफ्ता देखो कैसे बीत गया। आठवां हफ्ता शुरू हो चुका है और अभी ही आपका प्री बीता था। आगे आगे बढ़ते हुए 8 वीक्स आर ऑलरेडी गॉन। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपने जीएस पूरी कंप्लीट कर ली है हमारी प्लेलिस्ट से, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट लगी है दोस्तों, जहां पर जीएस वाइज आप जाके देखिए, आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। अप टू डेट रखिए खुद को। मेंस का सवाल रोज आता है सब्जेक्ट वाइज, प्री क्योर में करंट अफेयर्स एंड प्रीमिक्स में पांच सवाल। बाकी क्रैश कोर्सेज भी हैं, सोशो, मेंस, पॉलिटिकल साइंस, जीएस का 2020 का बैच भी है। ये सभी कुछ के बारे में आप जाके कहां जान सकते हैं, हमारी वेबसाइट है sleepyclasses.com। उसके पहले कोर्सेज लगा दीजिएगा तो आपको कोर्सेज पता लग जाएगा। sleepyclasses.com पर बहुत सारे, जैसे जो आप वीडियोस देखते हैं उन सबके पीडीएफ वगैरह वहां पर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के करते हैं पांच सवाल यहां पर सॉल्व। तो सबसे पहले आपको यहां सवाल है कि इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एनेबल, ठीक है, नॉट पर ध्यान दें, एनेबल अ बैंक टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू द कस्टमर्स। जो बैंक अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट चार्ज करता है उधार लेने पर, तो इसमें से कौन से वाले को अगर हम देखें, कौन सी ऑप्शन को, तो वो एनेबल नहीं करेगा, घटाना मतलब कि रिड्यूस। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, ओके। पहला, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, अगर एफडी का रेट हाई है तो क्या इसका ये एनेबल करेगा या नहीं। देन स्मॉल सेविंग्स, जो स्मॉल सेविंग स्कीम चलती हैं बहुत सारी, उन पे अगर रेट हाई रहेगा तो क्या इम्पैक्ट रहेगा। एंड देन अगर अवेलेबिलिटी या लिक्विडिटी अगर बैंक्स के पास फंड्स की हायर है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर कौन सी ऑप्शन जो है सही बताती है इसको। 3 only, 1 and 2 only, ऑल आर करेक्ट या कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ऐसे सवाल पेपर में आपको बहुत ऑफन नजर आएंगे। रिसेंटली जो शक्तिकांत दास हैं, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें बात की किस तरह से मॉनेटरी ट्रांसमिशन इम्पैक्ट हो रही है। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, इन सब पर वीडियो डला हुआ आप देख सकते हैं। अगर हमारे कोर्सेज का पार्ट है तो आप वहाँ पर भी आप जाकर, हमने रिसेंटली पढ़ाई की इसके बारे में। तो दोस्तों बस आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा एनेबल नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट को घटाना। सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल। तो एंड, क्योंकि दोस्तों इसका राइट आंसर इज 1 and 2। देखो, अगर बैंक्स हैं फिक्स्ड डिपॉजिट पर अगर हायर रेट दे रहे हैं, जो आपने अगर जाके पैसे जमा कराए, अगर उस पर बैंक ने हायर रेट दिया हुआ है तो पैसे वो तो आपका जो लोन का अमाउंट है, लोन के अमाउंट से, जैसे देखो बैंक है ना, बैंक आपने पैसे जमा कराए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वो पैसे जो सेविंग आपने रखी, फिक्स डिपॉजिट वगैरह कोई भी रखा, उस पर अगर वो हायर पे कर रहा है, अगर आपको हाई अमाउंट पे कर रहा है, तो जो आगे बैंक जो उधार देता है, जिससे बैंक पैसे कमाता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट कैसे घटा सकता है वो। ठीक है, तो जब तक ये जो आपके सेविंग्स के जो रेट हाई रहेंगे तब तक बैंक आगे भी नहीं घटा पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी फिक्स डिपॉजिट्स का रेट अगर हाई होंगे तो इट विल नॉट एनेबल, अगर स्मॉल सेविंग्स के रेट अगर हाई होंगे तो इट विल अगेन नॉट एनेबल कि जो इंटरेस्ट रेट को आगे उधारी पर घटा सके। एंड लेकिन अगर बैंक्स के पास फंड्स वगैरह बहुत सारे पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली तो बैंक्स के पास चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं उस फंड्स को यूटिलाइज किया जाए एंड वो इंटरेस्ट रेट घटाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें कि जैसे अभी जो रिसेंटली ही जो इंटरव्यू दिया जो शक्तिकांत दास ने एंड जो आरबीआई गवर्नर ने, उन्होंने बताया कि हमने ग्रेजुअली बहुत अपने जो रेट्स घटाए, हमारा रेपो घटता ही गया, लेकिन बैंक्स ने पास ऑन नहीं किया, बैंक्स ने आगे नहीं दिया। क्योंकि वो आगे कारण देखते हैं इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स के जो एफडी रेट्स हैं, एफडी रेट्स अभी भी हाई चल रहे हैं, एफडी के रेट्स हाई हैं, स्मॉल सेविंग जो स्कीम चलती हैं उसके भी रेट कहीं ना कहीं पिछले 3 सालों में देखें अगर, तो 3 सालों में हाई ही चल रहे हैं, 8% के आसपास ही चल रहा है, उसमें कोई कटौती नहीं आई। एंड देन उसके बाद बैंक्स के लिक्विडिटी लेवल भी अगर देखें, बैंक्स का लिक्विडिटी जो यहाँ पर, ये भी कोई खास कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, जो देखो अगर फ्लैट चल रहा है, ठीक है, उसके बाद बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बैंक्स आगे दे पाएंगे। तो बस ये इसलिए कहते हैं मार्जिनल जो हमारी कॉस्ट है जो लेंडिंग की, उधार देने की, वो उसमें कोई कटौती नहीं आ सकती क्योंकि ये सभी फैक्टर्स उसके अगेंस्ट हैं। तो दोस्तों इसका बस बात का ध्यान रखें, लिक्विडिटी जैसे अभी बढ़ती दिखती है तो कहीं ना कहीं इसके रेट्स घटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें काम आएंगी पेपर में, सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग्स। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्चुअल करेंसीज, आपने बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स क्या हैं ट्रू, ठीक है, जो कि किसके बारे में बात करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की, वर्चुअल करेंसी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, आपने मुझे बतानी है कौन सी करेक्ट है। पहला, जो वर्चुअल करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या फिर ये यूनिट ऑफ अकाउंट है एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड जनरली लीगल टेंडर इसका स्टेटस इसके पास होता है। तो आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। तो पहला है ऑप्शन कि सभी करेक्ट हैं, सिर्फ 4 करेक्ट नहीं है, या सिर्फ 1 and 2 ही करेक्ट हैं, या सिर्फ और सिर्फ 3 करेक्ट है, या सभी के सभी करेक्ट हैं।
ठीक है दोस्तों। तो वर्चुअल करेंसी के पॉइंट से अगर आप बात करो तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट अगेन आपको गिवन है और मैं आपको बताऊंगा मैंने सवाल क्यों बनाया, क्यों क्यों ये न्यूज़ में था, ठीक है दोस्तों। ओके राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर है इसकी कि सभी के सभी करेक्ट हैं, सिर्फ फोर्थ नहीं, लीगल टेंडर का स्टेटस नहीं होता जनरली इनके पास। एंड वर्चुअल करेंसी अभी दुनिया में कोई भी नहीं बनाई किसी भी कंट्री ने जहाँ पर जो कि जिसको लीगल टेंडर का स्टेटस दिया गया हो, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, अगर हम देखें जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की डेफिनेशन जो कि ग्लोबल बॉडी है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को जो जिसके खिलाफ जो मुहिम चलाती है, पाकिस्तान भी अभी इनके बिल्कुल रडार में है। तो ये क्या बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो वैल्यू है, जो वर्चुअल करेंसी है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, यूनिट ऑफ अकाउंट भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, जनरली लीगल टेंडर स्टेटस नहीं है, सरकारें इसको मान्य नहीं ठहराती, ठीक है। दैट मीन्स कि लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि अगर उसको कोई, जैसे अगर किसी आप किसी क्रेडिटर को दे रहे हो, किसी को अगर पकड़ा रहे हो आगे, तो वो वैलिड या फिर लीगल नहीं माना जाता है ऐसा, कि जैसे कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि सरकारी बैकिंग है इसके पास, ठीक है। ओके देन अभी ये न्यूज़ में क्यों, इसका जानना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में क्यों आ गई, क्योंकि अभी एक सरकार एक बिल लेके आना चाहती है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर, जिसका नाम भी है बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप क्रिप्टो करेंसीज बना रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आप पे फाइन लग सकता है, जेल हो सकती है, और आपको इसमें आपको कहीं ना कहीं आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइन करते हो, जनरेट करते हो, होल्ड सेल डील ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ कुछ भी करते हो और इशू करते हो क्रिप्टो करेंसी, तो आपको यहाँ पर सरकार आपको आड़े हाथों ले सकती है। एंड देन यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई अंडरलाइंग इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती क्रिप्टो करेंसीज की, ठीक है। अंडरलाइंग एज सच जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे किसी बाकी करेंसीज की जैसे हो सकती है, मेटल की हो सकती है एक्सेट्रा, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर नहीं होती। एंड देन वो क्या बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कहते हैं कहीं ना कहीं फिक्स्ड नॉमिनल वैल्यू नहीं होती, सरकार का मानना है, सरकार की कमेटी कहती है कि फिक्स्ड नॉमिनल वैल्यू नहीं है। जैसे 10 रुपये का नोट है, वो 10 रुपये का नोट है ना, मेरे पास ये कागज़ है जिस पर लिखा हुआ है लेट्स से 10 रुपीज़, तो वो 10 रुपये की वैल्यू है उसकी। ऐसा नहीं है कि कल इस कागज़ की कीमत 8 रुपये हो जाएगी, परसों ये 12 रुपये का हो गया, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी मेरे पास है लेट्स से, उसमें लिखा हुआ है 1 बिटकॉइन लिखा हुआ है, 1 बिटकॉइन की कीमत कभी कुछ और हो जाती है ना। जैसे मुझे पता है 10 रुपये का लेट्स से मैं मार्केट में जाऊँगा, मुझे एक गुड डे का पैकेट मिल जाएगा बिस्किट का, तो कहीं ना कहीं मुझे ये आइडिया है इस 10 में आ जाएगा। लेकिन 1 बिटकॉइन में आज मुझे एक गुड डे का पैकेट मिल गया, कल नहीं मिला, उसके अगले दिन 2 मिल गए, तो वैल्यूज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप इसको सरकार का मानना है, हमारी कमेटी मानती है कि स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज़ नहीं कर सकते, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे यूज़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। बाकी 10 रुपये का नोट ऐसा नहीं है ना, ग्रेजुअली महंगाई आएगी, 10 रुपये में आपका गुड्डे का पैकेट नहीं आएगा 2 साल 4 साल बाद, लेकिन अभी तक तो आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आज 10 रुपये की वैल्यू है, कल आपको ये 100 रुपये देने पड़ेंगे, फिर नहीं फिर से 5 रुपये का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो काफ़ी कंसिस्टेंसी होती है हमारी नॉर्मल करेंसी में, वो कह रहे हैं कि सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं हो सकता, उसको सरकार इसे चाहती है बैन करना, एक बिल आया हुआ है, तो तभी हमने आपसे ये सवाल भी पूछा। ओके अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये है अबाउट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग किससे डील करती है आपने मुझे बताना है, सिंपल सवाल, बहुत ही ईजी। पहला कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट करती हैं इन्वेस्टर्स को, या फिर ये समझना कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट सोशली और फाइनेंशियली इम्पैक्टेबल बन जाती हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट्स को इम्पैक्ट करती हैं, या फिर इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इसमें से किस में डील करती है, आपने मुझे सिंपली बस यही बताना है। एंड दोस्तों राइट आंसर इज सोशली एंड फाइनेंशियली इम्पैक्टेबल। जैसे देखो आप, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या कि जनरली आप सोशल ऐसा कुछ काम करें जिसमें आप सोशल ऐसी किसी चीज़ में पैसा लगाएं जहां पे समाज का भला भी हो एंड आप पैसे भी कमा लें, ठीक है। कि डाइवर्जेंट गोल्स कौन से हैं कि फाइनेंशियल रिटर्न्स भी आए, सोशल गुड भी हो जाए, अदरवाइज वरना माना गया कि अगर आपको फाइनेंशियल रिटर्न चाहिए सोशल गुड तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन रिसेंटली जैसे जो ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग एक नेटवर्क है GIIN, ये क्या बोलते हैं कि दुनिया भर में इन्वेस्टर्स फंडर्स जो हैं जो पैसा देना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं सोशली या फिर इसको हम इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया में देखें एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा पैसा ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में देखें अगर तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये अगर ये जो ये हैं ये एनर्जी की तरफ ज़्यादा रहता है कि ठीक है एनर्जी एंड माइक्रो फाइनेंस ये दुनिया भर में ज़्यादा ये अट्रैक्ट करते हैं ये वाला इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट वाला पैसा। अभी भारत सरकार ने बजट में ही रिसेंटली अनाउंस किया था कि सेबी के अंदर एक सोशल एंटरप्राइज वाला एक नया सा और एक एक्सचेंज बनाया जाएगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज इसको कहा जाएगा, जहां पर और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पैसा रेज करने में हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये इसीलिए काफ़ी एक मज़ेदार चीज़ है। एंड देन उसके बारे में जैसे अखबार में था एक ये इन्फोग्राफिक भी है कि क्या होता है ये ग्लोबली कितना पैसा लग रहा है, इंडिया में कहाँ लग रहा है। एंड देन उसके बाद
उस देखें अगर इंडिया में टॉप सेक्टर्स कौन से हैं जहाँ पे सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा एक लेटेस्ट फील्ड है, मेंस में सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो सोर्सेज कहाँ कहाँ से रहे, कौन कौन फंड कर रहा है ऐसे ऐसे चीज़ों को, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहते हैं, क्या क्या लोग जो डिमांड करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये आपके लिए यहाँ पे लगा दिए, इसको एक बार आप थोड़ा सा देख सकते हैं, पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इसका कोर्स जो sleepyclasses.com पे आप जाके देखेंगे, डेली क्विज टाइप में आपको ये मिल जाएगा। ओके चलिए अगला हम देखते हैं अब अपना यहाँ पर सवाल, इट इज़ अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सी बातें ट्रू हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। पहला, ये इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ रेफर टू एज ग्रोथ पोटेंशियल, जो ग्रोथ पोटेंशियल है किसी भी जगह किसी कंट्री का, जो किसके कारण आता है, जो कि आता है शिफ्ट्स इन अ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, जैसे जैसे पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर बदलता है तो कुछ ग्रोथ पोटेंशियल निकल कर आता है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, क्या बात सही है गलत। दूसरा, जो ट्रांजिशन जनरली क्यों होती है, क्योंकि जो TFR घट जाता है, TFR में डिक्रीज आ जाता है, एंड इंडिया को कहा गया कि 2008 में इंडिया ने डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले फेज में एंटर किया। आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, क्या सिर्फ वन या सिर्फ टू या दोनों वन एंड टू या सभी की सभी करेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो मार्क कीजिए आंसर, पॉज कीजिए एंड समझने की ट्राई कीजिए। राइट आंसर क्योंकि है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन एंड टू करेक्ट हैं, क्योंकि इंडिया ने 2008 में नहीं 18 में लास्ट ईयर इंडिया ने इसको यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड माना गया, शुरू हो गया इंडिया का। और UNFPA जो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस का जो फंड है पॉपुलेशन का, वो कैसे इसको डिफाइन करता है कि ये जो पॉपुलेशन हमारा स्ट्रक्चर बदलता है, जहाँ पर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, एंड किससे, जो हमारे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से 15 से लेकर 65 साल में ज़्यादा लोग हैं अब हमारे देश में कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये जैसे अभी 2018 में ही ये रेशो 49.8% पर आ चुकी है, ठीक है, कि जो डिपेंड वाले हैं वो 50% से कम हो गए हैं अब, ठीक है। एंड देन ये ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ग्रेजुअली कितने बच्चे पैदा होंगे एक मदर से, है ना, जो जिसको TFR कहते हैं, ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है एंड लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती रहती है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं लोगों को इस कारण से। तो अब इसके कारण इंडिया में क्या हुआ, जो 15 से 64 साल तक के जो लोग थे, 65 तक लगा लो, है ना, जो यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन थी, ये जो हमारी अब ये जो प्रोडक्टिव हमारी पॉपुलेशन है ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू डिपेंडेंट, ठीक है। 37 साल तक माना जा रहा है, 37 साल तक ये रहेगा, उसके बाद अगेन लोग बूढ़े हो जाएंगे तो 64+ लोग बढ़ जाएंगे एंड देन अगेन हमारी कंट्री डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेस से बाहर आ जाएगी। जापान ऐसी पहली इकोनॉमी दुनिया में थी अप्रॉक्सीमेटली 1960s में, जो कि जिसमें माना गया डेमोग्राफिक डिविडेंड आया, बहुत रैपिडली ग्रो किया जापान, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत सही थी। चाइना ने 1994 में इसको एंटर किया, जो एंड अभी भी चाइना से इसे गुजर रहा है। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन यंग हो गई तो सभी लोग काम करना शुरू कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे देखो वो बताते हैं कि जो एशिया में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड आना शुरू हुआ तो एशिया 7 गुना इंक्रीज़ हो गई एशिया की GDP, लेकिन कहीं ना कहीं लैटिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ 2 ही गुना इंक्रीज़ हुई। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा UNFPA हमें बताता है कि हम कब डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर हमारे लोग जो अच्छी सेहत में होंगे, एजुकेशन अच्छी होगी और एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो ही हम अपनी जो इकॉनमी वगैरह को ग्रो बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। एंड देन अगर देखें तो इंडिया की जो हमारी डिपेंडेंसी रेशो कैसे गिरता गया, 1950 में डिपेंडेंसी रेशो 68.4 था, अभी घटते हुए 49.8 हो गया 2018 में, ठीक है, ग्रेजुअली ये डिक्रीज होता गया एंड अभी अपना जो 49.8 मतलब हमारे डिपेंडेंट लोग कम है, तो हम क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया। एंड देन उसके बाद कहाँ कब शुरू हुआ, जैसे जापान का कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, इटली एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे बताए गए, इंडिया का भी माना गया 2018 इंडिया बांग्लादेश शुरू हो रहे हैं एंड 2055 तक जाएगा 37 साल तक, ठीक है। तो बस ग्रेजुअली उसके बाद फिर ये बढ़ जाएगा 49.5 से आके फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यही कुछ साल हैं जहाँ पे हम बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल करते हैं सॉल्व, ये है अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये रिसेंटली ही भारत में हिंदुस्तान में न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, पहली बार ये ऐसा हुआ कि जो इतना इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स एक किसी इमर्जिंग इकॉनमी जैसे इंडिया ऐसे किसी इमर्जिंग इकॉनमी में लॉन्च किया गया। एंड आपने मुझे बताना है इसके जो इस साल की जो थीम क्या रही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्योंकि जब ये ऐसी कोई चीज़ जब हिंदुस्तान में होती है तो उनकी थीम्स वगैरह याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछी जा चुकी हैं पहले 3 या 4 बार, ठीक है। तो आप मुझे बताना है कि GII जो इंडिया में लॉन्च किया गया उसकी थीम क्या है इस साल 2019 में। पहला,
क्रिएटिंग स्मार्ट सिटीज फ्यूचर ऑफ अर्बन इनोवेशन, या फिर क्रिएटिंग एफिशिएंट एम्प्लॉयज फ्यूचर ऑफ लेबर एंड एआई, या फिर क्रिएटिंग हेल्दी लाइव्स फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन, या फिर क्रिएटिंग क्लियरर स्काइज फ्यूचर ऑफ इनोवेशन इन एमिशन कंट्रोल। तो दोस्तों बताइए क्या थी यहाँ पर थीम। अगर आपने पढ़ा है, हमने अपने प्री क्योर में भी डिस्कस किया था, तो थीम अगर आपने जाके देखो, जो भी पढ़ा रहे हैं आपको जाके उसको थोड़ा थोड़ा गूगल कर लीजिए। गूगल कर लेंगे एक्स्ट्रा तीन चार बातें पता लग जाएंगी, पेपर क्रैक करने में पक्का ही पक्का मदद करेंगी दोस्तों। ऐसे ही एग्जाम क्रैक होगा एक्स्ट्रा एफर्ट करके। तो बताइए अगर आपने गूगल किया तो जीआईए की थीम क्या निकल के आई दोस्तों। थीम निकल कर आई मेडिकल इनोवेशन, जो इस साल की जो थीम हमारे हिंदुस्तान में है कि हमने हेल्दी लाइफ बनानी है। एंड कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे भी काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों, ऐसा नहीं है बीमारी हो जाएगी तो क्योर कर देंगे। सरकार कह रही है हम प्रिवेंट भी चाहते हैं लोगों को कि उनकी हेल्थ अच्छी इतनी हो जाए कि वो बीमारियाँ हुई ना। तो जीआईआई दोस्तों कौन निकालता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एनसीईआरटी एंड वीपो मिलकर निकालते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो ये 12वीं बार है ऐसा जो ऐसा इसको लागू किया गया, इंडेक्स को लॉन्च किया गया। इंडिया का रैंक इस बार 52nd रैंक है, 5 पायदान की छलांग, एंड स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस एक इम्पॉर्टेंट बात आपने जो यूपीएससी में हमेशा हमेशा याद रखनी है कि आपने भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी की, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी पढ़ रहे हो उसको याद रखना है दोस्तों। बहुत बहुत मुश्किल चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, जब अपने नोट्स को आप रेगुलरली रिपीट करो, जैसे हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, जो 10 दिन बाद। एक प्लान बनाया हुआ है जो मैंने नोट्स बनाए पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में, मैं एक बार जस्ट लेट मी जस्ट रन थ्रू देम क्विकली। मैंने आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे दिन के रखे हुए हैं। ऐसे 10 दिन बाद जब मैं फटाफट से जो लास्ट 10 डेज का मैं रिवाइज कर लेता हूँ, देख लेता हूं, देख लेंगे बार बार नोट्स रिवाइज कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो रिटेन होगा जो अपने पहले वाले जो अटेम्प्ट से। तो डेफिनेटली आप अगर रिपीट करते जाएंगे अच्छा याद रहता रहेगा। एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो मैंने पढ़ लिया, रिटेन भी हो गया, मैं अब क्वेश्चन में देखूं मुझे कितना याद है कि क्वेश्चन में मुझे जो इन्फॉर्मेशन जब मुझे सामने नजर आती है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन को मार्क कर दूं। कि दोस्तों पता बहुत बार क्या होता है कि ये लिखी हुई स्टेटमेंट 1 समथिंग, स्टेटमेंट लिखी है 2 समथिंग, स्टेटमेंट जो आपकी 1 है सही, जो 2 लिखी हुई है वो है गलत। आप जब 2 पढ़ते हैं आपको लगता है हाँ शायद मैंने कहीं ऐसा देखा हुआ है, शायद मैं कहीं करा हुआ है। हम अपनी मेमोरी ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, मेमोरी बनाना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैंने देखा हुआ है, जबकि कभी नहीं देखा होता। और ऐसा पता क्यों होता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कम की होती है, रिपीट कम किया होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए अपने नोट्स को, कॉन्टेंट को। बहुत सारा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो बस उसको भूलो मत। ठीक है, डोंट फॉरगेट इट, उसको याद रखो हमेशा। एंड दैट इज़ हाउ यू सक्सीड इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस एज वेल। तो बस करते हैं दोस्तों मेहनत, और आप भी करो, हम भी कर रहे हैं। एंड मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले प्रीमिक्स के साथ। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।